तो भाई जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वो अभी जिंदा हैं। तो वेलकम बैक टू दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी। तो दोस्तों, पठान को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज आई है। पठान बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाल तो कर ही रही है, लेकिन यार राष्ट्रपति भवन में भी ये मूवी देखी गई है। मतलब ये हिस्ट्री में पहली बार, भाई मेरे नजरिए में तो पहली बार ही है कि एक मूवी राष्ट्रपति भवन में दिखाई गई है। मतलब एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई वहां पे। राष्ट्रपति भवन में जितने भी लोग थे, बड़े बड़े राजनेता नेता सभी लोगों ने ये मूवी देखी। डॉक्टर एपीजे कलाम आजाद थे पूर्व राष्ट्रपति, उनके सेक्रेटरी जो थे MS खान, उन्होंने ये दो फोटो शेयर करके लोगों को बताया है कि भाई ये मूवी राष्ट्रपति भवन में देखी गई है। और इन्होंने शाहरुख खान को और उनकी सेक्रेटरी पूजा डडलानी को भी टैग करके बताया कि भाई हमने भी ये मूवी राष्ट्रपति भवन में लगाकर देखी है। उन्होंने दो फोटो और शेयर किए हैं, एक अपने और अपने दो लोगों के साथ वो खड़े हैं, और दूसरी फोटो जो शेयर की है वो मूवी का सीन है जिसमें शाहरुख और सलमान दोनों ही दिखाई दे रहे हैं ट्रेन वाले सीन में। तो भाई लोगों, पठान एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गई है, और ये हिस्ट्री में शायद पहली बार होगा कि पठान मूवी एक राष्ट्रपति भवन में देखी गई है। यार मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूं यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। पठान 300 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है, और इतनी इज्जत मिल रही है इस मूवी को, शाहरुख खान को इतनी इज्जत मिल रही है कि पठान मूवी का इतना जबरदस्त तरीके से बॉयकॉट हो रहा था, जो कि देखने को मिल रहा है, जो कि यार इतनी इज्जत मिल रही है बाहर के मुल्कों में, हर जगह उनकी इज्जत मिल रही है। और बशर्ते ये भी है कि उन्होंने अभी इस मूवी का खुद बाहर निकल के प्रमोशन भी नहीं किया। हालांकि कितनी बार हमने देखा है जब अपनी मूवी का वो प्रमोशन करते हैं, कभी टीवी सीरियल्स में जाते हैं, कपिल शर्मा के शो और बिग बॉस में तो उनका जाना तय ही होता है, लेकिन वो नहीं गए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो भाई देखते हैं कि अभी ये मूवी और कितना अच्छा बजट कर पाती है। तो भाई अगर इस बार वीडियो को लाइक ना किया, बहुत बढ़िया न्यूज़ लाऊं, इस बार तो वीडियो को लाइक कर ही दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।